आप चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे, समय लगातार चल रहा है। अब आपको तय करना है कि उसको जाने देना है या उसका यूज़ करना है। टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। फर्स्ट है टाइमिंग। किसी दिन आप उठते हो तो लगता है कि आज का दिन अच्छा है, आज सब काम आराम से हो जाएंगे। एक एनर्जी सी फील होती है और काम करने में इंटरेस्ट भी आता है। जबकि किसी दिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, मूड भी ख़राब है, आज का दिन ही अच्छा नहीं है। ऐसा होने का कारण है टाइमिंग। जब हम किसी काम को करने में देरी कर देते हैं तो वह एक बोझ की तरह लगने लगता है और इसलिए दिन खराब लगता है। जब समय पर काम कर लेते हैं तो उसके अगले दिन सुबह अच्छा फील होता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में कुछ बैट्समैन बहुत ज़ोर से शॉट मारते हैं सिक्स के लिए और कुछ बैट्समैन बहुत आराम से सिक्स मार देते हैं। दोनों में अंतर होता है टाइमिंग का। एक को सिक्स मारने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ी, जबकि दूसरे ने टाइमिंग से मारा तो बहुत कम एनर्जी लगी। ज़िंदगी में हर चीज़ टाइमिंग पर डिपेंड करती है, इसलिए आलस मत करो और ना ही हड़बड़ी करो। अगर कोई काम समय से पहले करोगे तो भी गलत है, और समय निकलने के बाद करोगे तो भी गलत है। सही समय पर काम करने से आसानी से हो जाता है। काम में देरी होने का मेन रीज़न है कि हमको कुछ काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं और कुछ काम कम इम्पोर्टेंट लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनको बाद के लिए टाल सकते हैं। एक काम को टालने से दूसरा काम भी टल जाता है और फिर बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी टाइमिंग ख़राब हो जाती है। टाइमिंग सही रखना है तो हर काम को इम्पोर्टेंट समझ के करो, इससे फोकस पूरा रहेगा और काम समय पर हो जाएगा। सेकेंड है एफिशिएंसी। आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। ज़्यादा हार्ड वर्क करने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, ज़्यादा एफिशिएंट होने पर बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अगर आज 5 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक कर सकते हो और कल 10 मिनट में 2 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, तो आपने रिजल्ट 2 गुना करने के लिए 2 गुना समय लगा दिया। ये समय की बर्बादी है, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना नामुमकिन है। ऐसे अगर आपको ज़्यादा सफलता चाहिए तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना होगा, जबकि आप टाइम को बढ़ा नहीं सकते। एक दिन में 24 घंटे को आप 25 घंटे नहीं कर सकते। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 मिनट में ही अपनी वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ाओ। अगर आप कल 5 मिनट में 1 किलोमीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा वॉक कर पाए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। स्टडी और बिजनेस में भी यही करना है। उतने ही समय में अपना आउटपुट बढ़ाना है जितने समय आप पहले दे रहे थे, क्योंकि समय सबके पास बराबर है। आपको सबसे आगे निकलना है तो उतने ही समय में आउटपुट बढ़ाना होगा। समय लिमिटेड है और हमेशा लिमिटेड ही रहेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स मत बनाओ, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि अभी बहुत समय है। ये फॉल्स फीलिंग है। समय बहुत तेज़ी से जा रहा है पल पल। स्मॉल गोल्स बनाओ जो 1 या 2 दिन में पूरे किए जा सकते हैं। इससे गोल पूरा होने पर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी। इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचने से होता है। फ्री में मिलने वाले टाइम की वैल्यू ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है, उसका पूरा उपयोग करो। एक भी पल बर्बाद मत होने दो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।